अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपके साथ मेहताब खान और मेरे सहयोगी हैं कैमरामैन सलमान अंसारी। मैं आपको कुछ ऐसी चुनाव से जुड़े मुद्दे आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा जो कि सिर्फ कागजों पर विकास है, ज़मीन पर नहीं। हमारे बीच चुनाव का माहौल है और चुनाव सरजमी पर है और चुनाव में प्रत्याशी आते हैं हमारे बीच और जनता के बीच वोट मांगने आते हैं, मगर जब वो यहाँ से जीत के जाते हैं तो जनता की ना तो खैर लेते हैं ना खबर लेते हैं और जीत के चले जाते हैं। सलमान भाई, आप ज़रा ये ब्लॉक ऊँचा गाँव जो अमरपुर है, इसकी स्थिति आप खरंजे की दिखाएं कि क्या हालत है इसकी, ज़रा ये दिखाएं। और मेरे सामने कुछ स्थानीय लोग जो यहाँ से अमरपुर से भी हैं, और थोड़ा सा उनकी भी राय लें, क्योंकि हम जब कोई सौदा लेने जाते हैं किसी दुकानदार के पास, अगर हम 5 रुपये देते हैं उसे तो 4 रुपये का सौदा लेते हैं, 1 रुपया उसके पास अगर खुला नहीं होता, अगर वो खुला भी 1 रुपया हमें नहीं देता तो हम उससे लड़ने लगते हैं। हमारा वोट जो है इतनी कीमती वोट है, हम उसका कोई अफसोस नहीं करते, क्योंकि एक वोट की जो ताकत है इतनी बड़ी ताकत है कि किसी की भी कुर्सी हिला सकता है, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या प्रधान हो। और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मुझे होश है कि ये देखिए कितना बुरा इसका आलम है, यहाँ से अगर ज़रा सी 4 बूंदे भी पड़ जाएं तो पैदल नहीं निकल सकता आदमी, फिसल फिसल के गिरता। और मैं आपको बता दूं कि 32 साल इस खरंजे को बने हुए हो गए, जो कि मरहूम इम्तियाज का स्वर्गवासी जो कि कांग्रेस से एमएलए थे अपनी सरकार में, उन्होंने ये बनवाया था। मेरा मकसद ना तो किसी पार्टी से है ना किसी नेता से, सिर्फ मैं आपको ये आगाह कर रहा हूँ, आपको जागरूक कर रहा हूँ, जब कोई आपके बीच में वोट मांगने आए तो आपका पूरा हक बनता है उससे ये कहने का कि आप बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, बड़े बड़े बातें करके जाते हैं, बड़ी बड़ी लॉलीपॉप दे के जाते हैं, उसके बाद जीतने के बाद आप दूरबीन से भी नहीं दिखाई देते। तो कुछ मेरे स्थानीय लोग अमरपुर से हैं, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। और मेरे साथ में है यहाँ के जिम्मेदार तौसीर भाई, वो आपको बताएंगे कि ये, आइए मैं तौकीर भाई से बात करता हूँ। तौकीर भाई, आप जरा जनता को ये बताएंगे कि ये खरंजा कब बना था और किस टाइम बना था? खरंजा बना जी 30 साल पुराना खरंजा है ये, इम्तियाज भाई के जमाने का बना हुआ है। उसके बाद कोई नेता आते हैं और सब अपना अपना टॉपिक करके ले जाते हैं, वरना यहाँ पर किसी ने जमीन स्तर पर काम करके दिखाया अभी तक। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा अभी कि यहाँ पर हमारी सिर्फ दरख्वास्त है, वो सिर्फ ये है कि हमारा खरंजा जो है ये सही होकर बन जाए और जो जनता को परेशानी हो रही है उस परेशानी से निजात मिल जाए। और एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे तौकीर भाई, जैसे कि चुनावी माहौल है तो आप वोट किसी को भी करें, सपोर्ट किसी को भी करें, क्या लग रहा है जो पिछली मौजूदा सरकार थी बीजेपी, उसने कुछ काम किया है? विपक्षी उन पर आरोप लगा रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं किया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप मतलब चाहे वो विकास पर हो या महंगाई पर हो या बेरोजगारी पर हो, तो किसको सपोर्ट करेंगे या किसको वोट करेंगे, किसका पलड़ा भारी है आपसे? देखिए जी, पलड़ा भारी तो वक्त आने पर बताएगा, वरना यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ जी, और बेरोजगारी चरम पर है जी, और यहाँ पर कोई विकास ज़मीनी स्तर पर कोई विकास नहीं है। और मैं अभी एक जनता परेशान है बहुत, एक मेरे हालत है, ये अमरपुर गांव है, मतलब सियाना विधानसभा में पड़ता है हमारा ये गांव, और इसकी हालत देखिए क्या हो रही है। क्योंकि जब कोई विधायक या कोई नेता जरूर गुजरता होगा इस रास्ते से, चुनावी माहौल पे तो आता होगा, मैं मुझे बहुत शर्म आती है, शर्म आ रही है, और इसे दिखाने के लिए मैं इस चीज़ की निंदा करता हूँ कि आप देख लो क्या हालत है। कुछ हमारे साथ ही है, क्या नाम है, आप निकलता नहीं है, आदमी गिरता है, चोट लगती है, और मुझे बड़ी शर्म आती है, क्योंकि मेरे यहाँ से बैंक मैनेजर हैं, वो भी मुझसे कह रहे थे कि मेहताब भाई आप इस कुछ रास्ते का कराओ, यहाँ पर बहुत गंदगी रहती है। बस मैं आप तक यही मैसेज पहुँचाना चाहता था, मेरा किसी से कोई पार्टी कोई समर्थन नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। देखिए ये बेचारी आ रही है, पैदल आ रही है, देखो ये अब यहाँ से निकलेंगी, कपड़े गंदे होते हैं, चाहे वो पूजा करने वाला हो या नमाज पढ़ने वाला हो, सभी तरह का आदमी निकलता है यहाँ से, देखिए कितनी बुरी हालत है। बस मैं आप सभी से यही अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, आदाब।